गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग फ्रेंड आज फिर और एक नया वीडियो लेके आज हम जाएगा मेरा कुत्ता का मतलब फ्लैपी का ऑपरेशन है तो उसको ऑपरेशन कराने के लिए हम जाएगा नाहरलगुन में। मैं आप लोग को दिखाऊंगी बाद में क्या क्या प्रोसेस है, मैं आप लोग को बता पाएगा तो हम आप लोग को बताने के लिए कोशिश करेगा। इसका ऑपरेशन है नो ये मालूम होता है ना, हम कहीं जाएगा ना इसको मालूम चलता है। फ्लैपी का ऑपरेशन है ना आज, फ्लैपी का ऑपरेशन है ना। नो फ्लैपी, लाठी का है, लाठी ढूंढ, लाठी का है, लाठी का है, लाठी चो। नहीं, चलो देखो तो ये भी जाएगा, कोई आएगा जाएगा। फ्लैपी ये ऐसे ही करता है कि वो भी जाएगा सामने में आओ ऐसे बुलाता है। अभी हम लोग पहुंच गया वेटरनरी हॉस्पिटल, तो हम लोग फ्लैपी के लिए अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए कुत्ता, सब कुत्ता लेके आया हुआ है। देखिए अभी फ्लैपी के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया, अपॉइंटमेंट ले लिया। ऑपरेशन के लिए अभी डॉक्टर रुकना बाकी है। यहाँ पर कुछ दवाई हम घर से लेके आए हैं क्योंकि मेरा दीदी नर्स है तो उसको वहाँ से लेके आया है। तो कुछ दवाई, ग्लोब, आईवी सेट वगैरह, सीरिंज। और फ्रेंड्स आप लोग कभी किसी दिन आप लोग अपना कुत्ता को कास्ट्रेशन करना होगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। अगर आप हमसे अगर आप लोगों को कुछ बता पाएगा तो मैं बताने के लिए कोशिश करूंगी। डॉक्टर से मिल चुका है तो अभी फ्लैपी का आज ऑपरेशन फिक्स हो गया है। तो अभी हम लोग ऑपरेशन चार्ज के लिए हम लोग जमा करने के लिए यहाँ पर भाई भी खड़ा हुआ है। आगे में क्या क्या होगा यहाँ पर वेट लेने के लिए आया है क्योंकि एनेस्थेसिया लेने के लिए वेट बहुत ज़रूरी था। और कुछ दवाई लेना था तो यहाँ पर ले लिया है। अभी हम लोग ओटी का वहाँ में रुक रहा है क्योंकि ऑलरेडी ओटी चल रहा है। तो यहाँ पर रुकते रुकते देखिए खरगोश मिला, कितना प्यारा है। ये भी कंपाउंड का अंदर में ही था वेटरनरी, तो फ्लैपी खरगोश का साथ खेलने लगा है तो बहुत प्यारा खरगोश है। यहाँ पर फ्लैपी का एनेस्थेसिया दे दिया है, अभी वो बेहोश में है। और वीडियो हम अच्छा से करेगा सोचा था लेकिन कुछ कुछ चीज़ से वीडियो करना अलाउड नहीं तो हम नहीं किए। और ये बकरी जो मर गया उसका पोस्टमार्टम करने के लिए रुका हुआ है। गाइस अभी फ्लैपी ऑपरेशन थिएटर में चला गया है, अभी ऑपरेशन उसका चल रहा है तो देखता है कैसे होता है। बहुत मन भी घबराहट हो रहा है तो हम लोग उसको वेट कर रहे हैं। ओटी अभी ओटी चल रहा है तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गया है। अभी भी फ्लैपी जो है बेहोश में है, ये देख सकते हैं उसका सिलाई किया वाला। होश नहीं आने का आगे हम लोग को घर पहुंचना था। देखिए आग भी स्वेलिंग, अभी थोड़ी देर बाद ये होश आने वाला है तो हम लोग को जल्दी घर पहुंचना था, फिलहाल पहुंच गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैपी का भी होश आ रहा है, आग में इतना स्वेलिंग है वो अभी तक बदन हिल नहीं पा रहा है। देख सकता है इसको तीसरे बहुत तकलीफ से उसको लेके आया है, रास्ता में भी बहुत ट्रैफिक जाम था तो उपाय नहीं था तो हम लोग स्कूटी से ही आना पड़ा है।
बहुत तकलीफ होता है क्योंकि मेरा फ्लैपी बहुत चंचल है, तो ऐसे चेहरा उतरा हुआ होके बैठने से ना, इसलिए हम उसको बात करने के लिए कोशिश कर रहा था, कंफर्टेबल फील कराने के लिए कोशिश कर रहा था। दोस्त आज का वीडियो यही तक है, तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो को आप लोग शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सपोर्ट, आपका सपोर्ट मेरा लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा वीडियो को।